मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। आपदा के समय दतिया जिले में सुरक्षा को लेकर जहां एक और होमगार्डों के कंधों पर जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया, लेकिन अब दतिया के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आई है। आपदा के समय दतिया में होमगार्डों के साथ नजर आएगी आपदा प्रबंधन की टीम, जो जिले से ही होगी संचालित, जिसका एक दिवसीय प्रशिक्षण जिला चिकित्सालय में रखा गया, जिसमें बनारस से आए NDRF दल ने अपने हुनर के साथ ही अधिकारियों के साथ मीटिंग कर संबंधित विषय पर जानकारी दी, जिसमें दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी। इस दौरान ADM रूपेश उपाध्याय, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतर होमगार्डों के कंधों पर आपदा के समय सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब आपदा प्रबंधन टीम का दतिया में होना आपदा के समय में बड़ी उपलब्धि साबित होगी। क्या कुछ कहा दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने, देखिए दतिया से हमारी संवाददाता रनी लटोरिया की इस खबर में। आपदा प्रबंधन के लिए एक अधिकारी तैनात किया गया है, एक सेल बनाया गया है, और इससे जिले में आपदा का एक सेल काम करना चालू करेगा। अब तक आपदा का काम यहाँ पे होमगार्ड डिपार्टमेंट के लोग करते थे, उन्हीं पे ये दारोमदार था। अभी एक सुस्पष्ट सेल गठन हो जाने से आपदा के समय जो काम है वो डिफाइन तरीके से हो पाएगा। कल हम लोग दतिया ज़िले में NDRF का एक मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं, उसके लिए भी NDRF का एक दल बनारस से आया है, और कल जिला अस्पताल का जो बिल्डिंग है वहाँ पे हम लोग एक मॉक ड्रिल करेंगे। ये एक प्रदर्शन का क्रियाकलाप होगा कि जिससे लोकल जो लोग हैं, इसमें होमगार्ड के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, नगर पालिका के लोग हैं, उनको एक अनुभव मिलेगा इसमें कि आपदा के समय किस प्रकार से रिएक्ट करना है और किस प्रकार से कम क्षति में आपदा से गुजर जाना है। तो ये उद्देश्य है।